अभी जैसे मैं यहाँ नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर हल्का सा बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप गिर जाएगा। इसमें कभी कभार स्टार्टिंग में भी शायद ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि जब भी गेम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होने लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में लेगो बैटमैन 2 डीसी सुपर हीरोज़ का गेम प्ले करेंगे पोको M5 डिवाइस के साथ। और इस गेम के लिए मेरे को कमेंट आया था तो सेटिंग्स यहाँ से देख लो। यहाँ पर एमुलेटर CPU क्लॉक स्पीड 100% पर है। ग्राफिक्स सेटिंग्स में वीडियो वीकेंड में ओपन GL है। एस्पेक्ट रेशियो स्ट्रेच टू विंडो फुल स्क्रीन के लिए। रिजोल्यूशन मैं FHD पर ट्राई करूँगा और बाकी ये सारे ऑप्शन देख लो। एक्स में ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड है एक ऑप्शन को छोड़कर। तो अब गेम को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये इस डिवाइस के साथ कितना बढ़िया परफॉर्म करता है। और आप मेरे को बार बार कमेंट मत करा करो एक ही गेम के लिए। एक ही बंदा 3-3 बार कमेंट कर रहा है, मैं सबके कमेंट एक ही बार में पढ़ लेता हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया उनकी वीडियो ज़रूर आएगी। तो आप वीडियो का वेट करो क्योंकि मेरे को गेम्स की फाइलें डाउनलोड करनी पड़ती है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती है, 3-3, 4-4 GB से ऊपर की फाइलें होती है और इनको डाउनलोड करने में टाइम लगता है। तो आप एक ही बार कमेंट करा करो, आपके वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ भी आप ऑप्शन देख लो, अगर आपके वाइब्रेशन होता है तो रंबल वाले ऑप्शन को डिसलेक्ट रखना है और ये वाले ऑप्शन सारे सिलेक्टेड है। और यहाँ पर भी CPU क्लॉक स्पीड का आपको ध्यान रखना है कि 100% वहाँ करिए तो यहाँ पर भी 100% होनी चाहिए। अभी वीडियो क्लिप में 30 FPS है। बीच बीच में जब मैंने अभी आपको बीच में सेटिंग्स बताई थी तो अभी हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप हुआ था उस जगह पे। तो अभी यहाँ पर वीडियो क्लिप में 26 FPS। और इस गेम को भी मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ तो देखते हैं कि कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा। मैं डॉल्फिन एमुलेटर का मोड वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इसके साथ ही हम ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पर ये वीडियो क्लिप चल रही है, लाइव न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर लेगो बैटमैन की सीरीज भी काफ़ी अच्छी है, बचपन में मैंने भी बहुत खेले थे गेम। और ये गेम शायद पहले मैंने देखा हुआ है बट कभी खेला नहीं ये वाला लेगो बैटमैन 2। अभी ये वाली वीडियो क्लिप भी थोड़ी सी लंबी है, इसको कट नहीं कर सकते आप। पोको M5 एक बजट स्मार्टफोन है, इनमें कौन कौन से गेम बढ़िया चल सकते हैं उन सभी का मैं टेस्टिंग लाऊंगा। तो आपको वीडियो इसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि गेम्स की फाइलें डाउनलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास इतना नेट नहीं रहता है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ जिस जगह पर, वहाँ पर मैं जियो फाइबर का यूज़ करके सारी फाइलें डाउनलोड करता हूँ, बाकी अदरवाइज़ मेरे पास इतना नेट नहीं है। अभी मैं सुबह के टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो के लिए मैं 30 FPS है और इसके जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी 3D कैरेक्टर्स है, ये सारे 3D कैरेक्टर हैं। और यहाँ पर आपको बीच बीच में थोड़ी सी वॉइस लैग भी देखने को मिलेगी। जब भी फ्रेम रेट कम होती है तो कुछ भी चीज़ होती है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हल्की हल्की सी मेरे को वॉइस लैग देखने को मिलती है। तो
अगर वॉइस लैग ज़्यादा होती है तो जो गेम की एमुलेटर सीपीयू क्लॉक स्पीड है उसको कम कर देना है थोड़ा सा, उससे हल्की सी वॉइस लैग कम हो सकती है। कुछ कुछ गेम्स एमुलेटर के साथ ऐसे होते हैं जिनमें वीडियो क्लिप में अगर आप कुछ भी डिस्प्ले वगैरह यूज नहीं करते हो तो उनमें क्या है कि फ्रेम ड्रॉप होने लग जाता है, और जब आप यूज़ करने लगते हो तो कोई भी मतलब वॉइस लैग नहीं होती है या फिर कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है। बाकी जब डिस्प्ले यूज़ में नहीं होती है तब उनमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है, फ्रेम ड्रॉप होने लग जाता है। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो क्लिप है, अभी गेम शायद स्टार्ट होने वाला ही है। ये मेन दो कैरेक्टर हैं इस गेम के। तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 25 FPS, 27। थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, आप अपने कैरेक्टर को भी मार सकते हो जो आपके साथ में है। यहाँ पर किसी किसी लोकेशन पर 30 FPS फ्रेम रेट मिलेगी, और बाकी बाकी यहाँ पर गेम में अभी फ्रेम ड्रॉप हो रहा था तो मैंने 60% स्पीड कर दी थी। और आपको यहाँ पर इसको मारने के लिए कोई भी टारगेट करने के लिए इस जगह से आपको जॉयस्टिक इमुलेशन में IR जॉयस्टिक इमुलेशन सेलेक्ट करना है इसको टारगेट करने के लिए। यहाँ पर होल्ड रखना है, ये वाला IR एमुलेशन जोस्टिक आपको रखना है। अभी जैसे मैं यहाँ नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर हल्का सा बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप गिर जाएगा। इसमें कभी कभार स्टार्टिंग में भी शायद ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि जब भी गेम स्टार्ट होता है तो यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होने लग जाता है। इसको मैंने कल ट्राई किया था तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था इसका क्या चक्कर है, ये अपने आप दौड़ के आगे जाता है। ये द रिडलर है, FSD पर आप ट्राई करोगे तो थोड़ी सी वॉइस लेकर देखने को मिलेगी आपको।
अभी फ्रेम रेट थोड़ी सी डाउन होती दिखाई दे रही है। बाकी गेम काफ़ी बढ़िया चल रहा है, 30 FPS। वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अभी फ्रेम रेट 24 FPS, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हुआ। इसके आगे कैसे जाना होता वो तो मेरे को भी नहीं पता, तो फिलहाल के लिए गेम काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही गेम प्ले करेंगे। इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये गेम इस डिवाइस में कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।